रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर 11 सदस्यीय विशेष टीम तैयार किया गया है, जो निजी सुरक्षा सैनिटाइजर मशीन से लैस किए गए हैं। टीम के सदस्य चिकित्सकों से समन्वय बनाकर संक्रमित को घर से अस्पताल ले जाने से लेकर चिकित्सकों के मार्गदर्शन पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जिले में यदि कोई संक्रमित मिलता है या फिर अन्य जिले राज्य से आता है, तब सबसे पहले रिस्पांस की जिम्मेदारी पुलिस टीम की होगी। वहीं अन्य राज्यों में देखा गया है कि संक्रमित व्यक्ति पुलिस व डॉक्टर का सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा एवं डॉक्टर के सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा PI कोतवाली SNC के नेतृत्व में ऐसी अप्रिय स्थिति में डॉक्टर के सहयोग के लिए 11 सदस्यीय विशेष टीम तैयार किया गया है, जो एडिशनल SP अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर के निर्देशन पर कार्य करेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम के सदस्यों को पर्सनल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट सैनिटाइजर मशीन से लैस किया गया है। टीम के सदस्य चिकित्सकों से समन्वय बनाकर संक्रमित को घर से अस्पताल ले जाने से लेकर चिकित्सकों के मार्गदर्शन पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पूरा ये मामला ये है कि लगातार जो दूसरे प्रदेशों में जो संक्रमित जो मरीज हैं, उनको रेस्क्यू के दौरान जो कुछ घटनाएं हो रही हैं कि डॉक्टरों को सहयोग नहीं करना और उनसे दुर्व्यवहार करना, इससे इस स्थिति में जो पुलिस फोर्स की एक रिस्पांस टीम की तरह काम करती है और फ्रंट लाइन वॉरियर है, सबसे पहले वो पहुंचती है। और चूंकि हमारे पास PPE किट नहीं था, तो SP साहब ने विशेष रूप से इसे मंगाया है और एक 11 सदस्यीय टीम TI कोतवाली के नेतृत्व में बनी है, ताकि अगर हमारे जिले में या कहीं बाहर से भी अगर कोई व्यक्ति जो संक्रमित है और वो आता है, तो डॉक्टरों के साथ एक समन्वय बनाकर उसको सुरक्षित ढंग से हम रेस्क्यू करेंगे और उसको जो क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे, ताकि दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं डॉक्टरों के साथ, उस टाइप की घटनाएं ना हो और पुलिस और डॉक्टरों का एक समन्वय स्थापित हो, इसके लिए एक विशेष प्रयास किया गया है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट।